الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي العمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العلي العظيم سورہ فاطر 11 نمبر کی آیت تک ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی جو 11ویں آیت تھی تاکہ ہم پچھلے سے اور آگے کا ربط ہو سکے وہاں سے ترجمہ شروع کرتے ہیں اور اللہ ہی نے تم کو خاک سے پیدا کیا پھر نطفے سے بنایا پھر تمہیں جوڑا قرار دیا اور جو کچھ عورت اپنے شکم میں اٹھاتی ہے یا پیدا کرتی ہے سب اس کے علم سے ہوتا ہے اور کسی بھی طویل العمر کو یعنی جو لمبی عمریں پاتے ہیں ان کو جو عمر دی جاتی ہے یہ سب کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے مذکور ہے اس کا ذکر ہے
और अल्लाह के लिए ये सब काम बहुत आसान है। अब आप ये मरहले देखिए, पहले मिट्टी, मिट्टी से नुतफा, नुतफा से अलका, अलका से बच्चा, बच्चा से पूरा इंसान। अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुमको मुश्किल दिख रहा होगा, लेकिन हमारे लिए ये सब बहुत आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और वाकयन, और ये जो किसी को अगर उम्र मिलती है तो ये उम्र ये न सोचे कि हम तो खा रहे हैं पी रहे हैं इस वजह से हमको, हाँ ठीक है उसका भी होता है, लेकिन ये सब कुछ जो जिसकी उम्र है ये सब उसके यहाँ महफूज है। और जब टाइम पूरा हो जाता है तो तशरीफ़ ले जाते हैं। और दो समंदर एक जैसे नहीं हो सकते, एक का पानी मीठा, एक का खुशगवार, और एक का खारा और कड़वा। ये कुदरत है कि नहीं है? दो पानी एक साथ चल रहे हैं, दो दरिया एक साथ बह रहे हैं। आप खुद हिंदुस्तान में देख लीजिए, गंगा जमुना दोनों दरिया एक साथ बहते हैं, लेकिन गंगा का पानी जमुना में नहीं मिलता है, जमुना का पानी गंगा में नहीं मिलता है। दोनों अलग अलग आपको जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये गंगा का पानी है, ये जमुना का पानी है। इसी तरीके से दरिया, दरिया समंदर, अल्लाह ने कुछ खारे समंदर पैदा किए हैं, कुछ मीठे समंदर पैदा किए हैं। ये दोनों समंदर भी आपस में मिलते नहीं हैं, जबकि दोनों पानी हैं। और अगर ये लोग और दो समंदर एक जैसे नहीं हो सकते, एक का पानी मीठा और खुशगवार और एक का खारा और कड़वा, और तुम दोनों से ताज़ा गोश्त खाते हो, जो मीठा समंदर है उससे भी मछली पकड़ते हो, जो खारा समंदर है उससे भी मछली पकड़ते हो, दोनों से ताज़ा गोश्त खाते हो, और ऐसे जेवरात बरामद करते हो जो तुम्हारे पहनने के काम आते हैं। सबसे कीमती जेवर क्या होता है? मोती। ये कहाँ से पैदा होता है? दरिया से। और इसी दरिया से तुम अपना खाना भी लेते हो, और इसी दरिया से तुम अपने जेवरात भी बनाते हो जो तुम्हारे पहनने के काम आते हैं। और तुम कश्तियों को देखते हो कि समंदर का सीना चीरती चली जाती हैं। कश्तियां, कितने बड़े बड़े जहाज, हजारों हजारों टन के जहाज, समंदरों का सीना चीरती हुई, दरिया का सीना चीरती हुई चली जाती हैं। क्यों? ताकि तुम फजल खुदा को तलाश कर सको, ताकि एक जगह से दूसरी जगह अपना रोजगार कारोबार फैला सको। फजल खुदा से मुराद यहां पर रोजगार कारोबार जिंदगी, ताकि तुम फजल खुदा को तलाश कर सको। और शायद इसी तरह तुम शुक्रगुजार बन जाओ, लेकिन नहीं बनते। इतना सब देने के बाद, इतना सब होने के बाद भी बंदा अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता है, और उसकी नाशुक्री और उसका शिकवा और उसकी शिकायत करता रहता है। और वो खुदा रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में। भाई जब दिन जाएगा तो रात आएगी, रात जाएगा तो दिन आएगी, लेकिन क्या दिन चला गया? बोलिए, चला गया दिन? रात अगर आई तो क्या दिन चला गया? नहीं गया ना। कहाँ है? है दूसरी दुनिया में, अभी नहीं गया है, अभी आगे आपके हिंदुस्तान के आगे ये दिन है। अल्लाह यही कह रहा है कि यानी उसकी कुदरत देखो, ना दिन जाता है ना रात जाती है, लेकिन रात को दिन में दाखिल कर देता है, दिन को रात में दाखिल कर देता है। ना रात खत्म होती है ना दिन खत्म होता है, यानी कमाल आप देखिए, कुदरत देखिए, ना दिन खत्म होता है ना रात खत्म होती है, रात भी है। अब अभी यहां रात होने वाली है तो क्या दिन चला गया? दिन नहीं गया, दिन है आगे अभी। अब अगर दिन है, दिन सुबह को निकला, तो क्या रात चली गई? नहीं, रात नहीं गई, अभी हमारे आगे रात है। तो अल्लाह कह रहा है वो खुदा जो रात को दिन में दाखिल करता है
और दिन को रात में दाखिल करता है। उसने सूरज और चांद को ताबे बना दिया है। अल्लाह के हुक्म से ये चांद और सूरज अपने मुअय्यना जो अल्लाह ने उनके लिए वक्त मुअय्यन कर दिया है उसी टाइम पे निकलेंगे। एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकते। आप घड़ी कितनी ही अच्छी घड़ी ले आइए, अच्छी से अच्छी कंपनी की लेटेस्ट से लेटेस्ट घड़ी ले लीजिए, लेकिन साल, दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल के बाद कहीं ना कहीं से सेकंड, दो सेकंड, मिनट इधर उधर हो ही जाएगा। कहीं कूक कम हो गई, कहीं बैटरी कम हो गई, कहीं ये कुछ हो गया, कहीं वो कुछ हो गया, आगे पीछे हो ही जाएगा। लेकिन उसकी घड़ी पता नहीं कब बने थे, करोड़ों साल पहले, आगे कब तक चले, लेकिन एक सेकंड इधर से उधर नहीं। सब उसके ताबे और सब अपने मुकर्रा वक्त के मुताबिक सैर कर रहे हैं, चल रहे हैं। दुनिया आज रिसर्च करके कह रही है कि सब कुछ चल रहा है। कुरान 1400 साल पहले कह रहा है नहीं, सब कुछ चल रहा है। ये गुरुज रुका हुआ नहीं है, कुछ सूरज रुका हुआ नहीं, चांद रुका हुआ नहीं, सब कुछ चल रहा है, सब हरकत कर रहा है। ये सब सैयारे हैं, सब अपने अपने मुकर्रा वक्त के मुताबिक सैर कर रहे हैं। वही तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के इख्तियार में सारा मुल्क है। मुल्क से मुराद यहां पर दुनिया है, मुल्क से मुराद खाली हमारा शहर या हिंदुस्तान नहीं, उसी के इख्तियार में ये दुनिया है, मुल्क है। और उसके अलावा तुम जिन्हें भी आवाज देते हो वो खुरमे की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह के अलावा जिसे भी तुम पुकारते हो, कुफार मुशरिकीन, कोई दरख्त को पुकार रहा है, कोई पत्थर को पुकार रहा है, कोई बंदर को पुकार रहा है, कोई गाय को पुकार रहा है, कोई सूरज को पुकार रहा है, कोई चांद को पुकार रहा है, कोई जिन्नात को पुकार रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है, कोई किसी को पुकार रहा है, अल्लाह कह रहा है कि इनको वो जो खुरमे की गुठली के ऊपर एक छिलका सा नहीं होता है का इतनी भी इतना भी इख्तियार इनको नहीं है। तुम काहे के लिए इनके पीछे पड़े हुए हो? उनको रहने दो अपनी हालत के ऊपर, उनको अपना काम करने दो। इतना भी इख्तियार इनको नहीं है कि ये तुम्हारा कुछ या बना सकें या बिगाड़ सकें। तो जब वो कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते तो काहे के लिए उनके पीछे पड़े हुए हो? अब यहां के ऊपर हो सकता है कोई सवाल करे कि अब हम जो मसलन मौला अली को आवाज देते हैं या इमाम मासूमीन को पुकारते हैं, तो हम जो अल्लाह से ये जो आइम्मा अथार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पुकारते हैं, मसलन या अली कहते हैं या रसूल अल्लाह कहते हैं या इमाम ज़माना कहते हैं, तो किस बुनियाद पे पुकारते हैं उनको हम? क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये उसके मखसूस बंदे हैं, ये उसके महबूब बंदे हैं, इनकी दुआ रद्द नहीं होती। और इनका वसीले से अगर इनको, इनके पुकारने का मतलब क्या है? इनसे दुआ नहीं की जा रही है, इनसे कहने का मतलब यह है क्योंकि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं लिहाजा इनके वास्ते से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेगा। लिहाजा अगर हम कभी कभी जैसे अगर डायरेक्ट भी पुकारते या अली कहते हैं, तो या अली कहने का मतलब हमारा कोई अल्लाह के मुकाबिल में अली को लाना नहीं होता है, अहले बैत को अल्लाह के मुकाबिल में लाना नहीं होता है, बल्कि मकसद ये होता है कि अल्लाह ने इनको जो मकाम और मर्तबा दिया है उस मकाम और मर्तबे के लिहाज से हम इनसे एक गुजारिश कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश ऐसी होती है कि इनका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है, आप ये काम हमारा कर दो। क्या मतलब? यानी हमारे लिए आप दुआ कर दो, आपको इख्तियार है, आप उसके यहां से दुआ करके हमारा ये काम करवा सकते हो, ये होता है मकसद। तुम उन्हें पुकारोगे तो तुम्हारी आवाज को ना सुन सकेंगे, और सुन लेंगे तो तुम्हें जवाब ना दे सकेंगे, और कयामत के दिन तो तुम्हारी शिरकत ही का इनकार कर देंगे। यानी ये जितने भी लोग दुनिया में इनको पुकार रहे हैं अल्लाह को छोड़ के, कयामत के दिन कह देंगे कि दुनिया में हो सकता है वो खुश हो रहे हों, कोई साहब बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया जाके उनके पैर पड़ रही है, और वो साहब बहुत खुश हो रहे हैं कि हाँ साहब इतनी दुनिया आके हमारे पैर पड़ रही है। कयामत के दिन जब आएगा और इससे पूछेगा अल्लाह
तो ये अपने उन्हीं मुरीदों से कहेगा यहां से हटो, मुझसे इनसे कोई लेना देना नहीं, हमने इनसे नहीं कहा था कि तुम हमारे पैर छुओ, हमने इनसे नहीं कहा था कि तुम हमारे पैर पड़ो आके, ये क्यों हमारे पैर पड़ा था इससे पूछो। तो वो अपना पल्ला झाड़ लेगा कयामत के दिन, अल्लाह कह रहा है कि ये खुद वो अपना पल्ला झाड़ लेगा। तो तुम उन्हें पुकारते हो, तुम्हारी आवाज को ना तो सुन सकते हैं ना सुन, अच्छा सुन लें तो जवाब नहीं देंगे, और कयामत के दिन तो तुम्हारी शिरकत ही का इनकार कर देंगे, और उनकी बातों की इत्तला एक बाखबर हस्ती की तरह कोई दूसरा नहीं कर सकता। इंसानों, तुम सब अल्लाह की बारगाह के फकीर हो, बेशक इंसानों तुम सब अल्लाह की बारगाह के फकीर हो, उसके मोहताज हो, तुमको उसकी जरूरत है, और अल्लाह साहिब दौलत और काबिल हमद व सना है। वो चाहे तो तुम सबको उठा ले जाए और तुम्हारे बदले दूसरी मखलूकात ले आए। ये जो जमीन के ऊपर इंसान फसाद फैलाए हुए है, अगर अल्लाह चाहे तो सबको पलट दे, सबको खत्म कर दे, और इनको खत्म करके एक दूसरी मखलूक यहां के ऊपर, अब जो उसकी इताअत गुजार हो, जो उसकी फरमा बरदार हो, वो यहां के ऊपर ले आए। और अल्लाह के लिए काम मुश्किल नहीं है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई शख्स किसी दूसरे इंसान के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर किसी को उठाने के लिए बुलाया भी जाएगा तो उसमें से कुछ भी ना उठाया जा सकेगा, चाहे वो कराबतदार ही क्यों ना हो। आप सिर्फ इन लोगों को डरा सकते हैं, आप सिर्फ उन लोगों को डरा सकते हैं जो अज़ग़ैब खुदा से डराने वाले हैं, जो खुदा से डरने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो भी पाकीज़गी इख्तियार करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा, और सब की वापसी खुदा ही की तरफ है। इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ कि ये इस्लाम का एक मुस्तकिल कानून है, यानी कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई दूसरे के गुनाह, जाहिर सी बात है अगर हमने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा हमको मिलेगी, हमारी औलाद से क्या लेना देना, हमारे माँ बाप से क्या लेना देना। हाँ, हो सकता है बाज़ मौके ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें, जिन गुनाहों में अगर बाप शरीक रहे हों, मुआविन रहे हों, मददगार रहे हों, या औलाद वालिदैन के गुनाहों में मददगार रही हो, तो उस सूरत में हो सकता है, वरना खुद इंसान अपना बोझ उठाएगा, कोई दूसरा उसका बोझ नहीं उठाएगा। ये इस्लाम का एक मुस्तकिल कानून है जिसकी बिना पर वो तमाम रवायात बेमानी हो जाती हैं जिनमें जिंदों के रोने से मुर्दों पर अजाब की बात कही गई है कि परवरदिगार एक के अमल से दूसरे पर अजाब नहीं कर सकता। ये बात गैर माकूल और नाकाबिले तसव्वुर है। वहाबी लोग क्या कहते हैं? रोना नहीं, वरना इस पर अजाब होगा। कुरान क्या कह रहा है? अगर तुम रो रहे तुम्हारे ऊपर अजाब होगा, उस पर नहीं होगा। अगर तुमने कुछ गलत किया है, तुमने कुछ गुनाह किया है, तुम्हारे ऊपर होगा, उस पर क्यों होगा? हर इंसान अपना अपना जिम्मेदार, और यह कहीं लिखा नहीं कि तुम मैयत पर गिरिया ना करो। हां, उसके अपना कायदे कानून है उसके लिहाज से, क्योंकि रोना गिरिया फितरत में इंसान की नेचर में है। अगर आपको दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, तो आपकी आंख में आंसू आना लाजिम है, जरूरी है, या आपकी नेचर में है, या आपकी फितरत में है। इस्लाम फितरत पे पाबंदी नहीं लगाता है, आप गम मनाओ, लेकिन हाँ देखो गम की भी एक हद है। अब गम में तुम अपना मुंह ना नोचने लगना, अपने बाल ना नोचने लगना, अपना गरेबान ना फाड़ने लगना, ये आम उसके लिए, वरना मासूमीन अलैहिस्सलाम के गम में खुद शबे आशूर गरेबान चाक करना मुस्तहब है, आस्तीनों का उलटना मुस्तहब है, लेकिन आम उसमें नहीं है।
और अंधे और बीना बराबर नहीं हो सकते। जो देखने वाला है और जो नहीं देखने वाला है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? क्या अल्लाह क्या कहना चाहता है? अंधे जो अंधे हैं वो और जो देख रहे हैं वो बराबर नहीं हो सकते, क्या मतलब है इसका? अहसन, मतलब जाहिल है आलिम है, समझदार है गैर समझदार है, एक झूठा है सच्चा है, हक है और बातिल है। ये सारी मिसालें अल्लाह इसके जरिए से देना चाहते। जिस तरीके से अंधा जिस जो देख नहीं रहा है और वो कि जो देख रहा है, ये बराबर नहीं हो सकता। ऐसे हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते, सच और झूठ बराबर नहीं हो सकते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तारीकियां और नूर, अंधेरे और नूर दोनों बराबर नहीं हो सकते। साया और धूप दोनों बराबर, ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, अलग से नहीं पढ़ रहा हूं, यही साया और धूप दोनों बराबर नहीं हो सकते। जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बात सुना देता है, और आप उन्हें नहीं सुना सकते जो कब्रों के अंदर रहने वाले हैं। क्या मतलब? क्या रसूलुल्लाह कब्रों में जाके कहते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू? फिर क्या मुराद है? मुराद यह है कि जो सुनना ही ना चाहे उसको आप नहीं सुना पाओगे। रसूलुल्लाह से कह रहा है, तो हम जैसों की क्या औकात है और हक क्या हैसियत है? अल्लाह रसूलुल्लाह से कह रहा है कि जो लोग सुनना ही ना चाहें उनको आप सुना नहीं सकते हो, क्योंकि मुर्दों को कौन सुनाएगा? ये मुर्दा है। जैसे मुर्दा होता है कि उसके सामने तुम रोए जाओ, चिल्लाए जाओ, चीखे जाओ, वो गाली आंख बंद किए वैसे ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही ये सब है, चलती फिरती मैयतें, चलते फिरते लाशें। कुरान ने एक जगह पर कहा है ये सब चलते फिरते लाशें जिनके ऊपर किसी चीज का कोई असर ही नहीं, इनके यहां जमीर ही नहीं, इनके यहां एहसास ही नहीं है, इनके यहां सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ये इसी दुनिया में, इसी मादियत में, इसी रंग ढंग में बिल्कुल मस्त हैं, और भाई इसी को सब कुछ समझे हुए हैं कि जैसे इसी दुनिया ही में रहना है और जाना ही नहीं है। लिहाजा तुम मुर्दा को नहीं सुना सकते हो। हमने आपको, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, हमने आपको हक के साथ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें कोई डराने वाला ना गुजरा हो। कोई कौम आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके आज तक, अल्लाह कह रहा है कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हमने कोई डराने वाला न रखा हो, डराने वाला न भेजा हो। और अगर ये लोग आपकी तकजीब करते हैं, यानी आपको झुटलाते हैं, तो इनके पहले वालों ने भी यही किया है। जब इनके पास मुरसलीन मोजिजात सहीफे और रोशन किताब लेकर आते, तो हमने काफिरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, फिर हमारा अजाब कैसा भयानक हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे मुख्तलिफ रंग के फल पैदा किए, और पहाड़ों में भी मुख्तलिफ रंगों के सफेद और सुर्ख रास्ते बनाए, और बाज बिल्कुल सियाह रंग के थे। आप पहाड़ों के रास्ते में जाइए तो आपको कहीं कहीं के ऊपर रास्ता बिल्कुल लाल रास्ता मिलेगा, लाल मिट्टी, कहीं के ऊपर बिल्कुल काली मिट्टी मिलेगी, कहीं को बिल्कुल सफेद मिट्टी मिलेगी। अल्लाह कह रहा है कि हमने तरह तरह के रास्ते बनाए पहाड़ों के दरमियान में, और इंसानों और चौपाइयों और जानवरों में मुख्तलिफ रंग की मखलूकात पाई जाती हैं, रंग बिरंगी मखलूकात। लेकिन अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में साहेबान इल्म मारिफत हैं। बस ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने सब कुछ है, दुनिया सब कुछ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हकीकत में उससे डरने वाले सिर्फ साहेबान इल्म मारिफत हैं। बस एक आयत और, यकीनन जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उन्होंने नमाज कायम की और जो कुछ हमने बतौर रिस्क दिया उसमें से हमारी राह में खुफिया यानी छुपकर और अलानिया खुल्लम खुल्ला खर्च किया, ये लोग ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं
जिसमें किसी तरह की तबाही नहीं है। जो अल्लाह से तिजारत करता है वो तिजारत हमेशा महफूज रहती है, ताकि खुदा इनको इनका पूरा पूरा अज्र दे और अपने फजल व करम से इजाफा भी कर दे। यकीनन वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला और कुदरत रखने वाला है। सदकल्लाहुल अलीयुल अजीम। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره। أعزائي الغرامي पिछले संडे में आपके खिदमत में अर्ज किया था कि मोहब्बत किससे की जाए और किससे न की जाए। आज आपकी खिदमत में अर्ज़ ये करना है कि अपने भाइयों की खबरगीरी लेना। कोई बीमार है, ज़ईफ़ है या ना ज़ईफ़ है, सेहतमंद है, बग़ैर किसी गल्ज़ ग़ायत के उसकी खैरियत लेना, खबर काढ़ना। इस्लाम में क्या है इस बात को आपकी खिदमत में बयान करना है। चौथे इमाम फरमाते हैं कि बंदे मुस्लिम जब अपने भाई की ज़ियारत, मुलाकात सिर्फ खुशनूदिए खुदा के लिए और कोई ज़ाती गरज नहीं, कोई मकसद नहीं है कि उससे कर्जा लेना है कि हेल्प लेना है, कि सिर्फ ये कैसे हैं, क्या है, क्या चल रहा है, खैरियत लेने के लिए कोई ज़ाती गरज नहीं रखता है, तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते को मुय्यन करता है कि जब तक ये अपने घर वापस जाए इससे कहते रहें कि तू खुश और जन्नत तुझसे खुश, यानी ये बंदा जन्नत का मुस्तहक हो जाएगा। फिर फरमाते हैं छठे इमाम, जिसने खुशनूदिए खुदा के लिए अपने बरादर मोमिन की ज़ियारत की, किसी भी मोमिन भाई की ज़ियारत के लिए गया, खबर काढ़ने के लिए गया, मरज में या सेहत में, खाली ये काम बीमार है तो ही नहीं, दोनों जुमले साफ साफ हैं, मरज में या सेहत में, मकर नहीं करेगा, फरेब न करे, यानी खबर के बहाने जो है अपना ज़ाती मफाद, अपना मकसद, अपना गरज वाबस्ता ना हो, तो खुदा 70,000 फरिश्ते इसके लिए मुकर्रर करता है। जो ये फरिश्ते 70,000 इसकी पसे पुश्त दुआ करते हैं, तू खुश रहे, जन्नत तुझसे खुश रहे, तू अल्लाह के जायरों में से है। आप खाने काबा की ज्यारत करने जाते हैं, हरम इमाम हुसैन की ज्यारत करने जाते हैं, लेकिन अगर बग़ैर गर्ज़ो गायत के किसी बंदे मोमिन की अयादत की, खबर कीरी की, तो जन्नत आपसे खुश, आप जन्नत से खुश, आप अल्लाह के जायरों में से होंगे, तुम खुदा के मेहमान हो, तुम खुदा के मेहमान हो, यहां तक कि अपने घर वापस आओ। जब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे गोया के अल्लाह के मेहमान। सातवें इमाम ने फरमाया, जिसने बरादरे मोमिन की जियारत की बगैर किसी गरज के, हर हदीस में वही जुमला, अपने काम से गए हैं तमहीदन, खैर खैरियत ले ली, कोई फायदा नहीं, सिर्फ उसी लिए गए हो, तो इमाम क्या फरमाते हैं कि बगैर किसी गरज के महज खुशनूदिए खुदा के लिए, कि चूंकि अल्लाह को यह अमल पसंद है लिहाजा कर रहा हूं, तो खुदा उस पर 70,000 फरिश्तों को मुय्यन करता है। जब से वो घर से निकलते हैं जब तक घर वापस आते हैं वो कहते रहते हैं जन्नत से तू खुश और
जन्नत तुझसे खुश, और एक मखसूस मकाम होगा जन्नत में जायर का जो मोमिन की ज़ियारत करता, उस जगह पे इसे जगह इनायत की जाएगी। फिर छठे इमाम फरमाते हैं जिसने दूर जाके ज़ियारत की, यहाँ से महुआ गए, अहमदाबाद गए, या यहीं से महल्ले में गए, दोनों जगह दाखिले शहर या खारिजे शहर, शहर से बाहर या शहर के अंदर, महज खुशनुदी खुदा के लिए अपने भाई मोमिन भाई की ज़ियारत की, तो खुदा के जायरों में से है और खुदा के लिए सजावार है कि वो अपने जायर का इकराम करे। अल्लाह, यानी जिस तरीके से हम मेहमान की खिदमत करते हैं वैसे, जिसने खुशनुदी खुदा के लिए अपने भाई की ज़ियारत की, खुदा कहता है तूने मेरी ज़ियारत की, तेरा सवाब मेरे ऊपर है और मैं तेरे लिए जन्नत से कम पे राजी नहीं हूं। आप देखिए कितनी आसानी से जन्नत अल्लाह देने के लिए तैयार है, लेकिन यहां हम कहां से, करबला और नजफ जो है खालिस ज़ियारत नहीं कर पाते हैं, बसी में से डिमांड चालू हो जाती है। ऐसा नहीं कि दुआ मांगना गलत बात है, लेकिन कम से कम एक आध मरतबा तो कुर्बतन लिल्लाह हो कि हम पुलसे के लिए आए हैं या ताजियत के लिए आए हैं, जो भी समझ लीजिए, तो यहां कहां से हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है कि तूने मेरी ज़ियारत की है और मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं तुझसे जन्नत से कम पे राजी नहीं। जिसने अपने भाई की ज़ियारत की, पांचवें इमाम फरमाते हैं उसके घर जाकर तो खुदा फरमाता है तू मेरा मेहमान और जायर है, तेरी मेहमानी मेरे ऊपर है और मैंने जन्नत को तेरे लिए वाजिब किया इसलिए कि तू अपने भाई से मोहब्बत करता है। मोमिन का हक मोमिन पे, हमारा कोई भी अमल बगैर गर्ज़ो गायत के होता ही नहीं। फिर इमाम फरमाते हैं पांचवें इमाम की खिदमत में खसीमा कहता है कि मैं गया ज़ियारत की और रुख्सती के लिए कि जाऊं अलविदाई सलाम कर लूं मौला से, आपने फरमाया है खसीमा हमारे दोस्तों को हमारा सलाम पहुंचाना और अल्लाह से डरने की वसीयत करना और कहना मालदार गरीबों की अयादत किया करें। खास तौर से यहां पे कैद लगाई कि जो मालदार हैं वो गरीबों की अयादत करें, और कवि जो ताकतवर हैं ज़ईफों की अयादत करें और उनके जनाजे में मौजूद रहा करें और अपने घरों में से एक दूसरे से मिलते रहा करें। ये मिलना जुलना हमारे अम्रे इमामत को के लिए जिंदगी है, गोया कि तू इमामत को जिंदगी अता कर रहा है। अगर तू ऐसा कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, तो हमारे अम्रे इमामत को जिंदा कर रहा है। फिर कहते हैं कि अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो हमारे अम्र को जिंदा रखे। खसीमा हमारे दोस्तों को ये पैगाम पहुंचा देना कि हम उनसे दफा नहीं करते किसी अजाब को जो अल्लाह की तरफ से हो, मगर अमल के जरिए, यानी खुद अपने किरदार को अमल को बनाओ। सिर्फ इकरारे इमामत काफी नहीं, इमाम 12 हैं मानना किसी को नहीं है, इमाम 12 हैं इनमें से किसी के कहना मानना नहीं है, तो खाली इकरार काफी नहीं है, अमल भी जरूरी है। हमारी विलायत तो मोहब्बत को परहेजगारी के बगैर नहीं पा सकते, रोजे कयामत में सबसे ज्यादा हैरत में वो होगा जो अदल की तारीफ करे और फिर अमलन दूसरे वक्त उसकी मुखालिफत करे। बहुत अदल व इंसाफ की बातें करता है लेकिन काम वही करता है।
पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मुझसे जिब्राइल ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को ज़मीन पे उतारा, चलता फिरता एक दरवाजे पे पहुंचा जहां एक शख्स खड़ा हुआ घर के दरवाजे को बेल लगा रहा था, खटखटा रहा था, दाखिले की इजाज़त चाहता था। फरिश्ते ने कहा, इस घर वाले से तेरी क्या हाजत है? उसने कहा, ये मेरा भाई है, दीनी भाई है, मैं खुशनूदी के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए इससे मिलने आया हूँ। फरिश्ते ने कहा, बस यही बात है, यही चीज़ तुझे लाई है? उसने कहा, हाँ। फरिश्ते ने कहा, मैं अल्लाह का पैगाम तेरे पास लाया हूँ, वो तुझे सलाम कहता है, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है, मैंने जन्नत तुझ पर वाजिब कर दी, जन्नत तुझ पे वाजिब किया। और ये भी फरमाता है, जो भी मुसलमान मुसलमान की ज़ियारत करेगा उसने गोया मेरी ज़ियारत की और इसका सवाब मेरे ऊपर जन्नत का देना है। आखिरी इस सिलसिले की छठे इमाम फरमाते हैं, जो मोमिन इसके बरक्स, अभी सब लोग जो है सुना और एक दूसरे के यहाँ जाने लगे, तो कुछ तो ऐसे भी होंगे, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, भले इसको मेरी ज़रूरत है, तो ऐसे भी तो अफराद मिलेंगे कि नहीं, कह दो नहीं है, दरवाज़ा ही नहीं खोलना, ऑफिस का गेट ही नहीं खोलना। उनके लिए छठे इमाम फरमाते हैं, जो मोमिन किसी मोमिन से मिलने जाए और वो न मिले, इसके ऊपर जन्नत के दरमियान 70,000 दीवार खड़ी कर दी जाएगी, इसके और जन्नत के दरमियान 70,000 दीवार खड़ी कर दी जाएगी और हर एक दीवार का फासला 1,000 साल का होगा, 70,000 साल का फासला जन्नत में पहुंचने का इसका हो जाएगा। एक मुसलमान मुसलमान के पास आता है इससे मिलने और कोई हाजत बयान करे लेकिन वो नहीं मिलता, तो ऐ अबू हमजा, जो ऐसा करेगा उस पर अल्लाह की लानत होती रहेगी जब तक के वो न मिले। मैंने कहा, अल्लाह की लानत होगी? फरमाया, हाँ अबू हमजा, उसके ऊपर अल्लाह की लानत होती रहेगी जब तक वो दोनों एक दूसरे से न मिले। दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चलने की तौफीक अनायत फरमा, परवरदिगार मज़ारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा अल्लाम के सायों को हमारे सनों पे बाकी फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके ऐवान अंसार में शुमार फरमा। व तकब्बल जी, 2-3 मिनट का वक्त है, अगर कोई एक सवाल हो। बिस्मिल्लाह जी, काफ़ी तफसीली जवाब आपका है, वही हमने कहा, काफ़ी तफसीली जवाब आपका है, बिल्कुल आसान है और कोई इतना मुश्किल नहीं है, असल है समझने की ज़रूरत। यकीनन अल्लाह ने जो फरमाया है, फ़मयामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर ज़र्रा बराबर नेकी की तो उसे पाओगे, ज़र्रा बराबर बदी की तो पाओगे। नेकियाँ और नेकियों के ऊपर अज्र उसके फ़ज़ल की बुनियाद के ऊपर है और गुनाहों के ऊपर जो सज़ा है उसके अदल की बुनियाद के ऊपर है। यही वजह है कि हम दुआ करते हैं कि माबूद क़यामत के दिन अपने अदल से काम ना लेना, अपने फ़ज़ल से काम लेना। इसलिए अगर अदल से काम लेगा तो हमारे गुनाह गलतियां और नाशुक्रीपन इतना है कि हम उसका जन्नत के मुस्तहिक हो ही नहीं सकते हैं उसकी। लिहाजा अगर अल्लाह का फ़ज़ल हमारे शामिल हाल रहा तो ही हम जन्नत तक जा सकते हैं। और ये कि कितना कितना सवाब है, हमने कहा कि काफ़ी, ये थोड़ा तफसीली आपका जवाब है इंशाल्लाह, और किसी मौके से इसको मैं दूंगा कि किस नेकी के ऊपर उसने कितना इतना सवाब क्यों रखा है उसने। जी कोई नहीं है, ठीक है, दुआ करते हैं उस परवरदिगार आलम की बारगाह में कि परवरदिगार
इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इल्म अमल के जेवर से आरास्ता फरमाए और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो हजरात मौजूद हैं उनके मरहूमीन, उसके अलावा वो हमारे उलमा और मराजे और मोमिनीन जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं उनकी अरवाह को बख्श दें।